आज फिर से एक व्यक्ति को गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत हो गई है। आज का यह मामला सामने आया है थाना मडावली के अंदर आने वाले गांव रामपुर चड्डा में, जहां पर सागर सिंह निवासी रामपुर चड्डा रात में 9 बजे खाना खाकर अपने घर के आंगन में सोए हुए थे। रात में करीब 1:30 बजे किसी अज्ञात बदमाश ने उन्हें गोली मार दी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घर पर ही उनका 23 साल का बेटा हरेंद्र भी सोया हुआ था। उसका कहना है कि रात को जब तेज आवाज हुई तो उसे लगा कि शायद किसी वाहन का टायर फटा है। जब उसने उठकर देखा तो उसके पिता के सिर में गोली लगी हुई थी और एक बदमाश वहां से भागा जा रहा था। बताया जा रहा है कि सागर सिंह गांव के पूर्व प्रधान थे और उन्होंने 2 शादियां कर रखी थीं। उनके कुल 15 बच्चे हैं, जिससे उनकी पहली पत्नी चंद्रो से 10 बच्चे और दूसरी पत्नी तारा से 5 बच्चे थे। दूसरी पत्नी तारा अपने बच्चों सहित गांव सीकरी थाना किरतपुर में रहती है। मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे करके गाँव में